तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड जो है साइंटिस्ट का नेम है और इसने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। तो जैसा नाम में लग रहा है अल्फा स्कैटरिंग, यानी कि अल्फा पार्टिकल वहाँ पर होने चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं, दे आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, जिसको हम बोल सकते हैं He++। तो मान लीजिए कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, ठीक है। तो रदरफोर्ड क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि उसने अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डिंग गोल्ड फॉइल पे करवाया, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल पे जाने के बाद यहाँ से इसको स्ट्राइक करने के बाद इसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे निकल जाते हैं। तो ये इसी चीज़ को स्टडी कर रहा था, ठीक है। लेकिन बाई एक्सीडेंट इसने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी। इसका मतलब न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी है उसका क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को। लेकिन ये पूरी घटना जो है बाई एक्सीडेंट हुई। कैसे हुई कि जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन से आ रहे हैं और ये गोल्ड फॉइल है। अब गोल्ड फॉइल से गुजरने के बाद जब ये पार्टिकल निकल रहे थे तो इनका रिफ्लेक्शन एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर पड़ रहा था। इससे इसको ये पता लग रहा था कि आफ्टर स्ट्राइकिंग अल्फा पार्टिकल कहाँ किस डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि बाय एक्सीडेंट एक वर्कर जो है जहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहे थे जिस डायरेक्शन से, उसके पीछे उस फिल्म को ले गया। अब रदरफोर्ड सामने खड़ा था उस फिल्म पर, जब उसने देखा तो इसने देखा कि वो चमका थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा एक चमक उसमें उत्पन्न हुई, फ्लोरोसेंट हुआ वो। तो रदरफोर्ड ने दिमाग लगाया कि अल्फा पार्टिकल जिस डायरेक्शन से आ रहे हैं उसके पीछे जाके अगर स्ट्राइक कर रहा है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल वापस लौटा। ये घटना उसको बड़ी अद्भुत लगी। यानी इस घटना को उसने ऐसे बयान किया कि जैसे ये वैसे ही घटना है जैसे तोप से गोला छोड़ा जाए तो वापस उसी डायरेक्शन में आके मार कर दे। ये घटना को उसने इस तरीके से डिफाइन किया। अब घटना तो हो गई है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया कि अपने सबसे पहले इसने क्या किया कि जैसे अपनी ऑब्जर्वेशन, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे अल्फा पार्टिकल इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे इसने एक गोल्ड फॉइल रख दी, ठीक है ना, सोने की जो है एक झिल्ली है, गोल्ड फॉइल इसने यहाँ रखी और यहाँ पे इसने एक स्क्रीन लगा दी जिस पर ये देखेगा कि किस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल आते हैं। अब अल्फा पार्टिकल मैंने जैसे बता दिया कि अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस, He++ को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। यदि हीलियम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो अल्फा पार्टिकल है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, इसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल तो सीधे निकल गए, कुछ मुड़ गए, ठीक है, और ये लगभग जो है एक यूँ मान लीजिए 18,000 पार्टिकल से एक वापस लौट गया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि वाट आर द ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स मूव इन स्ट्रेट पाथ आफ्टर स्ट्राइकिंग। ये तो हो गया कि 99% जो है पार्टिकल सीधे गुजर गए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कि सम अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड विद सम एंगल। ये इसकी दूसरी जो है वो ऑब्जर्वेशन थी। तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि ऑलमोस्ट 1 out of 18,000 पार्टिकल, 20,000 ले लें लगभग, तो ऑलमोस्ट 1 out of 18,000 पार्टिकल goes in direction having 180 डिग्री एंगल, इतने एंगल पे वापिस चला गया, ठीक है ना। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन के आधार पे उसने सोचा कि मान लीजिए मैं एक एटम को लेता हूँ, यहाँ से अल्फा पार्टिकल सीधा निकल गया, ठीक है, कुछ अल्फा पार्टिकल मुड़ गए और एक अल्फा पार्टिकल ये वापिस लौट गया। अब इसके आधार पे देखिए तीन ऑब्जर्वेशन है और तीन कंक्लूजन ये निकालेगा। ज़्यादातर सीधे निकल गए, तो पहला कंक्लूजन ध्यान दीजिएगा, पहला कंक्लूजन तो ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज वैकेंट। ये इसे पता लग गया।
क्यों वैकेंट है? क्योंकि सीधे निकल गए बिना रिफ्लेक्ट हुए, ठीक है ना। अगर मुड़ते तो अपने मानते उनके रास्ते में कोई चीज़ आई, कोई चीज़ नहीं आई, इसे सीधे निकल गए और वैकेंट है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ पार्टिकल मुड़ गए थे, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिव पार्टिकल होता है, दूर की तरफ मुड़े, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज एटम में रखा होना चाहिए। इसका मतलब इसने बोला कि देर इज कॉन्सेंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज स्फीयर एट सेंटर ऑफ एटम। ये कंक्लूजन, एंड दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो क्रेडिट जाता है डिस्कवरी का, वो जाता है किसको? रदरफोर्ड को। ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी, कंक्लूजन था। तीसरा था कि एक पार्टिकल यहाँ से उसी डायरेक्शन में वापस आ गया। इसका मतलब अगर हम किसी टारगेट पे किसी चीज़ को भेज रहे हैं और वो उस पर स्ट्राइक कर रहा है बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी के साथ, कम प्रोबेबिलिटी के साथ, इसका मतलब टारगेट स्मॉल है। इसका मतलब टारगेट जो है वो क्या है? स्मॉल। तो इसने ये बोला कि 1 out of 20,000 पार्टिकल इज कमिंग बैक फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, दैट मीन्स दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल। तो इसने ये बोला कि जो है इनमें साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10^-5 टाइम्स ऑफ साइज ऑफ एटम। इसका मतलब एटम का जो साइज है लगभग 1 lakh टाइम है साइज ऑफ न्यूक्लियस से। यानी आप समझ लो कि ये अगर एटम है तो इसमें छोटा सा स्फीयर ये न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने कर दी? रदरफोर्ड ने। और ये जो छोटा सा स्फीयर है इस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव चार्ज। ये चीज़ हमें पता लग गई, ठीक है। अब रदरफोर्ड का तीन ऑब्जर्वेशन आप समझ गए कि ज़्यादातर पार्टिकल सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए और एक पार्टिकल रेयर प्रोबेबिलिटी के साथ वापस उसी डायरेक्शन में आ गया। कंक्लूजन पता लग गया आपको कि ज़्यादातर हिस्सा एटम का एम्प्टी है, ठीक है। जो पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वो न्यूक्लियस है और वो बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो ये हमें तीन कंक्लूजन पता लगे। अब इसके बाद इसके ड्रॉबैक क्या थे? सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये था कि इसने ये बोला कि यहाँ पे एटम में जो है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। तो बाद में जो है साइंटिस्ट ने बोला कि अगर ऐसा करता है तो एनर्जी लॉस होना चाहिए, और एनर्जी लॉस होगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि एनर्जी लॉस करते करते इलेक्ट्रॉन मस्ट फॉल्ड इनटू द न्यूक्लियस इस तरीके से स्पाइरल पाथ में, ठीक है। बट ऐसा तो होता नहीं, एटम स्टेबल बने रहते हैं, ठीक है। तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। किसके बारे में बात कर रहा हूँ? रदरफोर्ड के बारे में, ठीक है। ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना। ये बात आप दोबारा अगर आप समझ लें कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैक्सवेल के हिसाब से, एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उसके हिसाब से कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये एनर्जी लॉस करना चाहिए, और एनर्जी लॉस अगर होगा तो धीरे धीरे करके ये इस तरीके से एनर्जी लॉस करता हुआ इसमें न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था, एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता, इसको रदरफोर्ड नहीं समझा पाया। और दूसरा इसका ड्रॉबैक था, ही कुड नॉट एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये रदरफोर्ड की कमियां थी, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन था।